विधानसभा चुनाव से ठीक पहले प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान प्रदेश की जनता को सौगात देने में जुटे हुए हैं और उसी कड़ी में अब प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शहडोल पहुंचे, जहां उन्होंने शहडोल नागपुर एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई और एक छोटी आम सभा को संबोधित किया। इसी पर देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट। शहडोल नागपुर एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाने के लिए 5 अक्टूबर को प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शहडोल पहुंचे, जहां कार्यक्रम में आने के लिए मुख्यमंत्री जमुई हेलीपैड पहुंचे थे, जहां से उनका काफिला सीधे शहडोल रेलवे स्टेशन के लिए रवाना हुआ। सीएम शिवराज ने स्टेशन पहुंचकर प्लेटफॉर्म नंबर 2 से शहडोल नागपुर एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। वहीं इस दौरान सीएम शिवराज सिंह चौहान ने एक छोटी आम सभा को संबोधित किया, जहां उन्होंने अपने भाषण में शहडोल को एक अत्याधुनिक एयरपोर्ट देने का दावा किया। अनेकों अब अकेले मध्य प्रदेश में 80 नए रेलवे स्टेशन बनेंगे विश्व स्तरीय। 47 रेलवे स्टेशन पर एक जिला एक उत्पाद के स्टॉल लगाए जाएंगे। आज समय की सीमा है, इसलिए बहुत लंबा भाषण नहीं दूंगा। शहडोल वासियों, ये जो लालपुर हवाई पट्टी मेरी चर्चा हो गई है, वो जमीन हम वापस देने वाले हैं और बहुत जल्दी, अब तो खैर चुनाव की आचार संहिता जल्दी लग जाएगी तो इसलिए 2 दिन में नहीं हो पाएगा, लेकिन बहुत जल्दी एक अत्याधुनिक एयरपोर्ट में शहडोल को जुड़ा एयरपोर्ट। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान प्रदेश के सबसे सक्रिय नेताओं में से एक हैं, जो लगातार विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश की जनता को सौगात देने में जुटे हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज़, शहडोल।